जब 3 साल की मासूम बिटिया एक बोरवेल से महज 5 घंटे में सुरक्षित वापिस निकाल ली गई। कि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल न बाका कर सके जिसका रक्षक है भगवान। क्या गजब तस्वीरें हैं, क्या गजब मेहनत है, क्या गजब जज्बा है, जो देखे बस दंग रह जाए। आज हम दुनिया के उन तमाम लोगों को यह खबर दिखा रहे हैं कि दुआ और मेहनत के साथ ईश्वर में बड़ी ताकत होती है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बिजावल थाने के लालगवां गांव की ये तस्वीरें हैं, जो देखे बस दंग रह जाए। एक 3 साल की मासूम बिटिया नैन्सी विश्वकर्मा खेलते खेलते बोरवेल में गिर गई। प्रशासन दौड़ा, मीडिया पहुंची और गांव के लोग जमा हो गए। 5 JCB उस बोरवेल के पास गड्ढा खोदने लगे। कलेक्टर SP के साथ NDRF की टीमें पहुंच गई। बोरवेल में एक रस्सी डाली गई जो बच्ची ने पकड़ ली और उसे जब खींचा गया तो उस मासूम बच्ची ने हिम्मत दिखाई, रस्सी नहीं छोड़ी। देखिए थोड़ा तस्वीरें, बड़ी मार्मिक है। और बच्ची ने जब रस्सी नहीं छोड़ी तो वह वापिस बोरवेल के बाहर आ गई। यह तस्वीरें जिसने देखी, तमाम लोग जो वहां मौजूद थे वह चीख कर कहते रहे कि जिंदाबाद मासूम बिटिया वापिस निकल आई। अगर शिद्दत से मेहनत की जाए, बहुत शिद्दत से अगर काम किया जाए, बहुत शिद्दत से किसी को बचाया जाए। जब मासूम बिटिया नैन्सी विश्वकर्मा को बोरवेल से बाहर निकाला गया तो जय जयकार मच गया। लोग चिल्ला पड़े। पिता रवि विश्वकर्मा और रोहिणी ने अपनी बेटी को गले से लगा लिया। यह तस्वीर बानगी है कि मेहनत और शिद्दत दुआओं को ईश्वर कबूल करता है। हम जिला प्रशासन और तमाम पुलिस महकमे के लोगों को सलाम करते हैं जिन्होंने नैन्सी बिटिया को दूसरी जिंदगी दी। कमलेश चंद्रपुरिया, सागर एक्सप्रेस न्यूज, छतरपुर। होटल सागर इन की नई सौगात रूफटॉप रेस्टोरेंट के साथ सभी स्वादिष्ट व्यंजन वो भी एक ही छत के नीचे अब आपके सागर में, तो जरूर पधारें हनुमान मंदिर के पास सिविल लाइन सागर।